दोस्तों, जब भी मेट्रो सिटीज की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। मिलने वालों को यहाँ सब कुछ मिल जाता है और न मिलने वालों को कुछ भी नहीं। यूं तो दिल्ली भारत का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है, जहां देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक रहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसी शहर में आपको कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। यहां कई लोग पाई पाई को मोहताज हैं, तो कई लोग यहां राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। यही कारण है जिसकी वजह से यहां दिन में तो कुछ और ही नजारा होता है और रात में कुछ और ही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजधानी दिल्ली की वो सभी बातें बताएंगे जो सच में आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की इस राजधानी में आपको एक से बढ़कर एक दौलतमंद इंसान देखने को मिल जाएंगे। वहीं इस राजधानी में ही आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ लोग भीख मांगते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक घर और इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी। वहीं यहीं पे आपको रोड के किनारे पे बसी झुग्गियां भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ रहने वालों की टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। यहाँ आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग इंडिया के अलग अलग राज्यों से यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको देश के प्रधानमंत्री का पीएम हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लोक कल्याण मार्ग पे है। वहीं दिल्ली में ही सेंट्रल विस्टा के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ रुपए है। इसके कम्प्लीट होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे। इसके पास ही पीएम का आवास है और इसके अलावा देश के राष्ट्रपति भी दिल्ली में ही रहते हैं। ये जिस इमारत में रहते हैं उसका नाम राष्ट्रपति भवन है, जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से कई गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, इतनी शानदार इमारतें बनी होने के बावजूद भी दिल्ली में स्लम एरियाज की कमी नहीं है। यहाँ कई स्लम एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ अगर एक बार बारिश आ जाए तो कई दिनों तक पानी नहीं निकल पाता। उनमें से एक संगम विहार भी है। दोस्तों, यूँ तो दिल्ली पूरा दिन भर दौड़ती ही रहती है। यहाँ की सड़कों पर आपको भर भर कर ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे दिल्ली पूरी तरह से बदलने लगती है। यहाँ रात में पब्स और होटल्स में क्राउड बढ़ जाता है, जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर अपने पप्पा की परियां और माँ के लाडले पैसे उड़ाने आते हैं। और दोस्तों, दिल्ली में कई होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ बाहर तो कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन अंदर कुछ और ही काम चल रहा होता है। कुछ सालों से दिल्ली में कॉल गर्ल्स का बिजनेस काफी बढ़ने लगा है। इस कारोबार को करने वाली लड़कियां आपको दिन में तो बिल्कुल ना के बराबर दिखेंगी, लेकिन रात होते ही कई एरियाज में आपको ये काम करने वाली लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी मिल जाएंगी। फरीदाबाद से दिल्ली एंट्री करते वक्त और गुड़गांव, जो अब गुरुग्राम हो रहा है, उधर से दिल्ली में एंट्री करते वक्त आपको हाईवेज के किनारे पर कई लड़कियां खड़ी मिल जाएंगी, जो किसी भी राहचल के साथ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं सड़कों के किनारों पर ही आपको कई किन्नर भी खड़े मिल जाएंगी, जो पैसों के लिए ये सब करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी रात 10 बजे के बाद आपको लड़कियां खड़े मिल जाएंगे। मगर आपको ये सब बातें हैरान कर रही हैं, तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस को राजधानी का दिल माना जाता है, जहां के चकाचौंध देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। यहाँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े शोरूम्स और कई पुरानी शॉप्स भी हैं। और यहीं पालिका बाजार के नाम से एक बाजार है, जो कि जमीन के अंदर यानी कि बेसमेंट में है। हालांकि इस बाजार से थोड़ी ही दूर 11 बजे के बाद मर्दों का बाजार भी लगता है, जहां कई हाई प्रोफाइल गर्ल्स अपनी जवानी की गर्मी को कम करने के लिए आती हैं। इस धंधे में आए मर्दों को जिगलो कहा जाता है। ये ग्रेटर कैलाश, सरोजनी नगर और कनॉट प्लेस जैसे दिल्ली के रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके पास लड़कियां कम और महिलाएं ज्यादा आती हैं। जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, उनके पति विदेशों में कमा कर उन्हें पैसा भेजते हैं और वो इन पैसों से अपने ऐसे शौकों को पूरा करते हैं। इस काम के लिए दिल्ली का सम्राट होटल काफी मशहूर है, जहाँ फ्राइडे और सैटरडे को कई महिलाएं तगड़े शरीर वाले लड़कों की तलाश में रहती हैं। इस काम को बहुत ही चुपचाप तरीके से किया जाता है। आपकी आंखों के सामने ये काम कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली के कई नौजवान लड़के इस काम को करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ चुनिंदा लड़के ही इस काम से पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि इस काम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। दोस्तों, अब जब इस काम की बात हो रही है तो दिल्ली के जीबी रोड का नाम कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के कोठे बाबा आदम के जमाने के हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में मुगलों समेत जितने भी शासकों ने शासन किया वो सभी अपनी दासियों को यहीं पे ही रखा करते थे। पुराने दौर के सभी शासकों के लिए ये एक अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। जब भी इन शासकों को इनके काम वासना सताती थी तो अपने इस हरम में आकर अपनी काम वासना को शांत किया करते थे। बताया जाता है कि जब उनकी दासियां बच्चे दे देकर बूढ़ी हो जाती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नई युवतियों को इस हरम में ले आते थे और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। ये किस्सा यूं ही चलता रहता था। मुगल के जाने माने बादशाह अकबर की 8,000 से ज्यादा दासियां थी, जिनके साथ वो अलग अलग वक्त पे संबंध बनाया करते थे। तब से ये दासी प्रथा आज तक पूरे भारत में चल रही है। फिर चाहे वो मुंबई का कमाठेपुरा हो, कोलकाता का सोनागाछी हो या फिर दिल्ली का जीबी रोड, बस आज के दौर में इनको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है।
अब राजा ही नहीं बल्कि कोई भी पैसे वाला व्यक्ति कुछ पैसे फेंक कर अपने जिस्म में लगी आग को कुछ मिनटों के लिए शांत कर सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ मौजूद लड़कियों को नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल जैसी जगहों से दिल्ली में काम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन फिर उनसे इन कोठों पर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। आजकल ये एक बिजनेस की तरह हो गया है जो दिल्ली के कई अपार्टमेंट्स में होने लगा है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को लूटा भी जाता है। जीबी रोड के आसपास के ज्यादातर एरियाज में कई दलाल घूमते रहते हैं जो बाहरी व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही उनसे कोई बाहरी व्यक्ति टकराता है उसे वो कोठे पे ले जाकर लुटवा देते हैं। इस पूरे एरिया में लोगों को लूटना और उनकी जेब काटना आम बात है। जीबी रोड के नजदीक ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां से भारत के अलग अलग राज्यों के लोग आते और जाते हैं। इनमें से कई मुसाफिर इन कोठों पर जाते हैं और इन्हीं लोगों के साथ यहां सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। वैसे तो वक्त वक्त पर कई संस्थाओं द्वारा इसे बंद करने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन इस बात को बोलकर इसे टाल दिया जाता है कि अगर इसे बंद करा दिया तो समाज में रेप केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन को समाज के आगे जितना बेचा जाएगा ये लोगों की नजरों में उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि इस पे रोक लगा देनी चाहिए? शायद अगर इस पे रोक नहीं लगी तो धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस काम की मांग बढ़ती जाएगी और देखते देखते वैश्यावृत्ति आम होती चली जाएगी, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आज हर नौजवान दिल्ली में आकर काम करना चाहता है। दोस्तों इस बात को सुनकर कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच यही है। एक जमाना था जब दिल्ली समेत फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसी जगहों पे इतनी सस्ती जमीनें मिला करती थीं, जिसका आज लोग शायद सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आज इन्हीं जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसमान छूती इमारतें जो बन चुकी हैं, जहाँ पर आज कई मल्टीनेशनल कंपनीज चल रही हैं। एक समय था जब नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगहों पर परिंदा भी पर नहीं मारता था, और फरीदाबाद और गाजियाबाद की जमीन तो रहने ही दीजिए। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि आज इन्हीं जमीनों पर अरबों के बिजनेस चल रहे हैं। इसी वजह से आज दिल्ली एनसीआर में काम के लिए कई साधन उपलब्ध हैं, और भारत के कोने कोने से नौजवान इन ऊंची ऊंची इमारतों में काम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी जानी जाती है। यहाँ कई चीजें तो ऐसी हैं जो सिर्फ रात में ही खुलती हैं, जैसे कि डिस्कोज, पब्स और क्लब्स वगैरह। इन जगहों पर अगर आप रात को जाते हैं तो आपको दिल्ली का दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ लड़के लड़कियाँ आते हैं, महिलाएं आती हैं और कई बूढ़े लोग भी आते हैं। वो लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, चारपाई पे लेटने की उम्र है लेकिन शौक बड़े उनके। ये बूढ़े लोग अपनी दौलत के दम पे पूरा वीकेंड दिल्ली के लग्जरी होटल्स में गुजारते हैं। भले इनसे कुछ हो ना, लेकिन बस ये लड़कियों के साथ लेटे रहते हैं, उनसे मसाज करवाते हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। ये सब दिल्ली के होटल्स में आम है, लेकिन ये काम ज्यादातर रात में ही होता है। दोस्तों आप जानते होंगे पुराने समय से ही दिल्ली का काफी बोलबाला रहा है, और पुराने समय में कई शासकों ने दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे फेमस इंडिया गेट और लाल किला है। इंडिया गेट को सन 1921 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए 80,000 भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। जब ये बना तो इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया, लेकिन बाद में इसे इंडिया गेट कहा जाने लगा। इसके अलावा दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला और हुमायूं टूम समेत कुल 112 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पुरानी और सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार है, जिसे सन 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों भले ही दिल्ली क्षेत्रफल में बहुत छोटी सी हो, लेकिन यहाँ काम ऐसे होते आए हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाएं। धन्यवाद।